नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आज हमारे यहां आए हैं श्री बी नारायण जी, जो एक अध्यापक हैं, सरकारी अध्यापक हैं, श्री नागेश यादव जी, और दोनों शिक्षक हैं और एआरपी के पद पर हैं। तो आज हमारे पास आए हैं तो सबसे पहले उन्होंने रस पान किया है, प्राकृतिक गन्ने का जो रस का स्वाद इन्होंने लिया है। तो मैं सर आपसे पूछूंगा, क्या अनुभव रहा आपका, कैसा लगा आपको? मैंने अभी तक जो अन्य जूस पिए हैं, जितने भी पौष्टिक होते हैं, अनार का बताया जाता है, मौसमी का बताया जाता है, लेकिन पहली बार मैंने ये प्राकृतिक गन्ने का जूस पिया है। मुझे भी नहीं पता था कि गन्ने का जूस इतना अच्छा होता है। इसका पीने के बाद इसका फीलिंग ही अलग आई है कि ऐसा भी ये रस हो सकता है। और जो बताऊँ वो कमी है, क्योंकि ये तो बिल्कुल एकदम से जो अपना प्राचीन गन्ना जो होता है, तो उसकी फीलिंग आई है कि गन्ना है क्या, वास्तविक क्या चीज़ है गन्ना। जी बिल्कुल, अभी तो पता ही नहीं था गन्ना होता क्या, कितनी उसकी पावर है। जी, इसके साथ साथ ही एक धरोहर हमसे ले जा रहे हैं जी, और आप देखिए इसी गन्ने से बनी हुई है ये देखिए शानदार राब जी। इसकी सुगंध सर आपने देखा अभी, ये राब आपको देखकर चक्कर कैसा फील हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी राव है साहब। और देखिए सर, अभी एक अपना एक पात्र लेकर आए साथ में, ये मिट्टी का पात्र एक है जिसमें हमने पैक करके इन्होंने दिए। तो सर बताएं किस तरह आप, कैसे आपको पता हुआ कि राव मिल रही है, और कैसे इच्छा हुई कि वहाँ? एक बार इससे पहले हम आए थे तो हमें पता लगा कि यहाँ प्राकृतिक गन्ने का उत्पादन करते हैं हमारे सचिन जी, और इनसे हमने रिक्वेस्ट किया तो इनने जो है राब भी तैयार करी है। तो उस राब को बड़े इंतज़ार के बाद हमें मिली है आज, तो हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि चीज़ें जो प्राकृतिक थी वो अब हमें उपलब्ध हो पा रही है। जी, इस कोरोना काल में जहां हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, जहां हम स्वास्थ्य की देखरेख की बात करते हैं, ऐसे जो खान पान है जो किसानों के खेतों से निकलते हैं, शुद्ध मजबूत और भारतीय परंपरागत जो भोजन है, लोगों को किस तरह अवेयर होना चाहिए, आप एक संदेश दें, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं इसलिए सबको अच्छे से बता सकते हैं कि किस तरह हमें भोजन के प्रति जागरूक होना चाहिए और क्या हमें भोजन में शामिल करना चाहिए, आप बताएं। बिल्कुल, मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा कि जहाँ तक है हमें अगर इस तरह की चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से उत्पादित की गई हैं अगर उपलब्ध हो जाती हैं, भले ही वो थोड़ी कॉस्टली हों, और मेरा तो यही मानना है कि चीज़ें प्राकृतिक रूप से अगर उपलब्ध हैं तो उन्हें ही प्रायोरिटी पर लेना चाहिए, खाना चाहिए। इससे जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो इनसे पोषक तत्व प्राप्त होने चाहिए, वो वास्तव में इन चीज़ों से प्राप्त होते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि लोगों को अगर इस तरह की चीज़ें उपलब्ध हो पा रही हैं तो लोगों को अधिक से अधिक लेना चाहिए और इन्हें उपभोग करना चाहिए इन्हीं चीज़ों का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमसे गन्ने का रस का स्वाद लिया है, राब सर ले जा रहे हैं और इसके साथ साथ बंसी गेहूं भी ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये भी हमारे पास एक धरोहर है, इसको ले जाइए, आप इसका स्वाद लीजिए और फिर अगली बार आप खुद कहेंगे हमको चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।